बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे कोई खाना नहीं पकाने वाली, आज मैं आपको एक पावरफुल रेमेडी देने वाली हूं। आप देखिए, उस रेमेडी से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों। वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ है। हमारी ज़िंदगी का कितना हिस्सा हम उन चीज़ों में बर्बाद करते हैं। तो आप देखिएगा इस रेमेडी को स्टेप बाय स्टेप और आप इससे फ़ायदा उठाइएगा। तो दोस्तों, आपके घर में जितने मसले हैं इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, आपके घर में खैर व बरकत होगी इंशाल्लाह, बीमारी चली जाएगी, तकलीफें दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी को आसान कर देंगी, और छोटे बच्चे वाले तो लाजमी ये चीज़ को ट्राई ज़रूर करना आप इसको, और ज़रूर मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखकर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, आसानियों की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे जो है टोटके और मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए, मेरी रेमेडी देखिए, इंशाल्लाह आप आज आपको चैनल पर रेमेडी दिखा लूँगी। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक धुनी बताने वाली हूँ जो हमारी ज़िंदगी आसान कर देगी। आप देखिए, आपके घर में कॉकरोच हैं, छिपकलियाँ हैं, जरासीम हैं, आपके कबट ख़राब है, कबटों में जरासीम है, नीचे जानवर हो गए हैं, आपके कमरों में जानवर हो गए हैं, छिपकलियाँ हैं, कॉकरोच हैं, आपके फर्नीचर ख़राब हो रहा है, आपके कबट ख़राब हो रहे हैं। तो आप देखिएगा इस रेमेडी को, आइए मेरे साथ। ये देखिए मेरे पास क्या क्या सामान है, सिर्फ ये मेरे पास चार चीज़ें हैं दोस्तों। दोस्तों, ये है हरमल। हरमल एक पावरफुल जड़ी बूटी है, और उसके साथ है ये लुभान। लुभान जो है हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, खुशबू घर में आएगी इसी, इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन है। और ये है हींग। ये देखें, हींग को कौन नहीं जानता कितनी पावरफुल हींग है। और ये है हल्दी। तो मैंने ये साबुत हल्दी ली है, आप देखें इसको। आप अपने घर में जब बारिश का मौसम हो, घरों में सील आ जाती है, आप देखें घरों में सील आ जाती है, एक अजीब सी स्मेल आती है बारिश के बाद। अगर आप इसकी धुनी देंगे, आप देखेंगे इससे स्मेल भी चली जाएगी और आपके घर से सीलन भी ख़त्म हो जाएगी इसकी धुनी से। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कीड़े मकोड़े हर चीज़ भाग जाएगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मैं इसको इस हवन दस्ते में डाल के इनको मैं कूट लूँगी, इसको मैं मोटा मोटा इसी तरीके से कूट लूँगी, आप देखें। और हल्दी को भी मैं कूट लूँगी, तो मैं इसमें कूटूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे कूटने के बाद। तो दोस्तों, मैंने हल्दी, हरमल, लुभान, हरमल को मैंने नहीं छेड़ा, हरमल ऐसी ही है, हल्दी, लुभान और मैंने हींग को ये कूट लिया मैंने। ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। तो दोस्तों, ये इतनी करामत चीज़ है, एक स्टेप मैंने आपको इसका एक रुख मैंने आपको दिखा दिया। अगर इंसानों को एलर्जी है, हमारे को एलर्जी है, ख़ारिश होती है, आप भी उसकी धुनी लीजिए, तो आप धुनी लेंगे इंशाल्लाह ये एलर्जी ख़ारिश वाली बीमारी भी दूर हो जाएगी। अब मैं दूसरा इसका पार्ट बताती हूँ आपको। मैं कोई वो नहीं हूँ कि आलमा हूँ या कोई मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ आपसे, मैं एक सिंपल बात कर रही हूँ जो हमारे घर में पहले से ही होती थी। पुरानी औरतें जो हमारी नानी थी, दादियाँ थी, वो ये घर में अक्सर किया करती थी। तो आप इसको जब हम नमाज पढ़ते हैं, तो आप इसको किसी जार में डाल के इसको आप अपने पास रख लें। कोई नानी पढ़ रही है, दादी पढ़ रही है, अम्मी या घर में जो भी बुज़ुर्ग पढ़ते हैं पांचों टाइम नमाज, उनके पास इस सामान को रख दीजिए, जड़ी बूटियों को, वो जो भी पढ़ेंगे इस पर फूंक मार देंगे। अगर आपके घर में कोई नहीं है नमाज पढ़ने वाला, तो किसी बर्नी में डाल के आप मस्जिद में भेज दें, असर मगरिब के टाइम जो भी नमाजी निकलेंगे इस पर फूंक मार देंगे। तो इंशाल्लाह आपके घर में खैर व बरकत होगी, आपके घर में रिस्क अल्लाह ताला कसरत से देगा, आपका दस्तरखान वसी हो जाएगा, आपके घर से बीमारियां चली जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी। हमारे घर में बीमारियां आती हैं, और यही वजह है कि हम लोग अपने घर में पढ़ाई नहीं करते हैं या हम इस तरह के काम नहीं करते हैं। ये एक जड़ी बूटियाँ हैं जो लुकमान हकीम को खुद बताया करती थी, मुझे ले चलो अपने साथ, मैं इस काम आती हूँ। तो ये जड़ी बूटियाँ बहुत करामत वाली चीज़ें हैं।
तो आप देखिए इसको जरूर कीजिएगा। मैं अब आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ ये पैन लिया है, ये पैन ले लिया, इस पैन में मैंने ये एक प्लेट रख ली है स्टील की। मेरे यहाँ कोले जल रहे हैं, मैं थोड़े से कोले और तेज कर लूं फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने ये कोले दहका लिए, आप देखें मैं इसके ऊपर ऐसे ये मिक्स कर लिए मैंने सारी, ये देखें ये मिक्स कर लिया। आप इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डालते जाए इस तरह, ये देखें धुआं उठेगा। हम मैं इसके जैसे ये मेरे कबर्ड है, मैं इस कबर्ड में दे दूंगी, ये देखें इसमें दूंगी, इसमें जितने भी जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, छिपकलियां हैं, वो सब परेशान हो जाएंगी इंशाल्लाह हफ्ते में। इसकी खुशबू भी बहुत बेहतरीन है, आपके घर में जब ये खुशबू आएगी तो आप देखिएगा आपको कितना सुकून भी मिलेगा, आपके घर में एक अजीब सी प्यारी सी खुशबू आएगी इंशाल्लाह। आप देखिए ये देखिए, ये देखें मैं ऊपर कबर्ड पे भी दूंगी, ये मेरा ये कबर्ड है, धुएं से भर दे। और जहां जिनके घरों में सील है वो कमरों को बंद करके इसको धुएं को भर दे, इंशाल्लाह दीवारों से सील निकल जाएगी, और खास तौर पे बारिश के मौसम में। ये देखिए आप इस तरह अपने कपड़ों में दे सकती हैं, ये देखिए आपका लकड़ी का फर्नीचर है या दूसरा फर्नीचर है आप उसमें भी दें इंशाल्लाह, जितने कीड़े मकोड़े जरासीम है सब भाग जाएंगे। हम इसको वॉशरूम में भी देंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने किस तरह ये धुनी दी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई सोचे कोई पढ़ाई करेंगे या कोई इलम करेंगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। जो हम नमाज पढ़ते हैं, हम माशाल्लाह नमाज में दुरूशी पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, चारों कुल पढ़ते हैं, अलहमदो शरीफ पढ़ते हैं, या अल्लाह के नामों की तस्बीह करते हैं, तो वही आप पढ़े इंशाल्लाह और इस पर दम कर दें इंशाल्लाह, देखना घर में बीमारी नहीं आएगी, घर में खैर और बरकत होगी। घर से ये एक तो ये कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े हैं, छिपकलियाँ हैं, चली जाएंगी। छोटे बच्चे हैं उनको धुनी दीजिए, आपके जिस्म में खारिश है, एलर्जी है, वो लोग जो है इसकी धुनी लें। जिनको एलर्जी होती है, सांस में प्रॉब्लम होती है, वो धुनी थोड़ी सी इसकी ले लें, सांस वाले नहीं लें, जिनको एलर्जी है वो लें। तो आप देखिए अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट्स करके मुझे बताइए। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूंगी अगली वीडियो को, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ।